ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हैप्पी सीमा। तो सबसे पहले आप सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। मैं भी एक मदर हूं, सो हम सबको हैप्पी मदर्स डे। तो ऑब्वियसली आज सभी बच्चों ने अपनी मदर्स को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दिया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर बच्चों ने गिफ्ट दिया तो हम उसको भी उनको भी एक रेटिंग गिफ्ट दें, अच्छा सा उनकी पसंद का। तो इसी को देखते हुए मैंने आज बिना खाजू के शाही पनीर बनाने जा रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना शाही पनीर विदाउट काजू। इसमें 4 टोमेटोज, 3 ओनियंस और कुछ मैंने लिए हैं जिंजर के पीसेस, कुछ गार्लिक के पीसेस और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। और ये है 1 कप मिलाई, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बिना काजू के बनानी है। तो यही इसका सीक्रेट है कि मैं बिना काजू के बनाऊंगी। तो ये देखें, उनको मैंने चॉप कर लिया है। देखिए सॉफ्ट हो गए, अब हम इसे बंद करके फिर ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। हमने ग्रेवी जो बनाई है इसको हम थोड़ा सा पहले हल्का से इसको भून के डालेंगे। इसको हल्का सा देखिए ऐसे करके इस करके, जिससे इसके अंदर जो थोड़े से इसके चंक्स रह जाएंगे ग्रेवी के तो वो निकल जाएंगे। इससे जो ग्रेवी बहुत स्मूथली बनती है और इससे जो हमारी शाही पनीर का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो देखिए आइए, तो इसी तरीके से हमें सारी ग्रेवी को बनाना है। तो देखिए मेरी ग्रेवी जो है कितनी स्मूथली बनी है, देखिए इसका टेक्स्चर कितना स्मूथ है। तो यह है बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी। खड़े मसाले डालेंगे इसमें, हल्के से सॉल्ट भी हो जाए हैं। इसके बाद इसको सारी चीज़ में डाल देते हैं बन सकेंगे। तो उसको हम वापस भूनेंगे और इसको हमें जब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छी तरह से मसाला पक ना जाए। थोड़ा सा हमने उनको खड़े मसाले साथ थोड़ा सा और भून लेना है इस ग्रेवी को ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो देखो हमारी ये सब्जी है फिर भून रही है और इसी इस पर हमने इसमें अपने मसाले डाले हैं। देखो सिम कर देते हैं और इसकी सब्जी पक रही है। पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ये हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। उसे डालेंगे हरा धनिया, पिसा हुआ जीरा, ठीक है। मैं नमक पहले भी डाला था तो थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा नमक को। इन सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे। उसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून जाए। अब जो हमारे पास ग्रेवी नीचे थोड़ा सा बच गई थी तो मैंने थोड़ा सा फाइनल करके उसको मिक्स किया और इसमें डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो है बिल्कुल नीचे ना आए।
इसे 5 मिनट हम अच्छे से भुनेंगे। ऐसे ही इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक अपना ऑयल जो है रिलीज ना करते। तो देखिए ढक देते हैं, अचारा जो है कितना अच्छा भुन गया है। इस स्टेप पर हमने जो आपको बताया था मैंने अपना सीक्रेट कि हमने डालना है, तो उसकी जगह हम डालेंगे अपनी फ्रेश मलाई। मैंने 2 चम्मच फ्रेश मलाई के लिए हैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और आप देखिएगा इसका टेक्स्चर, इसका रंग कैसे चेंज हो जाएगा। अब बहुत ही हमने मतलब बड़े ही बेसिक जो है इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ किए इसको बनाने में शाही पनीर को, कोई स्पेशल कोई चीज़। तो आप सोचो मैंने ये ऐसी रेसिपी क्यों बनाई, क्योंकि आज ऑब्वियसली मेरे पास काजू अवेलेबल नहीं थे जिस कारण से मैंने बना रखा है शाही पनीर। तो मैंने उसकी जगह काजू की जगह बनाए हैं मिला डाल के अपने शाही पनीर। अब इतनी टेस्टी सब्जी बनती है, अब यकीन नहीं मानेंगे आप, कहेंगे नहीं कि आगे से हमने कहीं काजू डालनी है तभी हम शाही पनीर बनाएंगे। आप विदाउट काजू भी शाही पनीर जब मर्जी चाहें बना सकते हैं। मेरी रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा कि किसने मैंने बीच में स्पेशली ट्रिक्स बताई हैं जो आप इस रेसिपी को ईजी बना सकती हैं और खाने का या आपके लंच का और आपके डिनर का किंग बना सकती हैं। तो वो जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं बीच में, आप इस जरूर देख लीजिएगा और इस रेसिपी का एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए और इस टेस्ट में मैं डालूँगी अपना पनीर। ये जो मैंने पनीर बनाया है ये मैंने घर ही बनाया था सुबह। तो देखिए तो इसको हम 2 मिनट अभी पकने देंगे पनीर के। देखिए और हमारे लिए कितना लाजवाब कितना लबाबदार शाही पनीर तैयार हुआ है। देखिए 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 कोई कैसे देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा पनीर शाही पनीर तैयार है। देखिए तो इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल देते हैं और डाल देते हैं फ्रेश धनिया और हमारी जो है शाही पनीर देखिए तैयार है। तो अब चलते हैं अपनी सर्विंग की तरफ। इसको सर्व करते हैं अपने बॉल में। शाही पनीर तैयार है विदाउट काजू विदाउट पीनट्स, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डलेगी और सिर्फ एक जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो ही मिलाए जिससे हमारे शाही पनीर तैयार है। तो इसी के साथ आज की रेसिपी यहीं खत्म करती हूँ। अगली नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी। Okay, bye-bye.